कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बी ऑनर्स अरबिक का 2016 का जो इंट्रेंस पेपर है उसी को हम डिस्कस करेंगे और ये सेट ए है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, GCC का फुल फॉर्म जो है वह है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। क्वेश्चन नंबर टू, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अरबिक इज़ नेदर फर्स्ट नॉर द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इसराइल में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर फोर, UN अरबिक लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, हर साल अरबिक लैंग्वेज डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 18 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर फाइव, एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स ऑन द प्लांट आर मोस्टली फाउंड ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फ्लावर्स। सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन से जो इफेक्ट होते हैं प्लांट्स के पार्ट वो होते हैं फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द नंबर विच वेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 1112, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 8। क्वेश्चन नंबर सेवन, मेन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाइल्ड लाइफ का कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन पेंसिल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट में पेंसिल्स को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ अरब वर्ल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मोरिटानिया इज़ द पार्ट ऑफ अरब वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर टेन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर जो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 11, द नाइल रिवर फ्लोस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की तरफ इसका फॉलो है। क्वेश्चन नंबर 12, इन एटमोसफियर नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 78% जो है वो नाइट्रोजन एयर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय ज्योग्राफिकल एरिया इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रशिया। क्वेश्चन नंबर 14, द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी अमंगस्ट द फॉलोइंग सीज इज रिपोर्टेड फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डेड सी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी जो पाई जाती है वो डेड सी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एशिया। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है द गल्फ ऑफ मेक्सिको इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ। क्वेश्चन नंबर 17, द हेड क्वार्टर ऑफ द अरब लीग इज सिचुएटेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, काहिरा में, कैरो में अरब लीग का हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, इसका ये जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में है, OIC का हेड क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 18, हेड क्वार्टर हजरे मौत इज अ गवर्नरेट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यमन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड इन तिहामा रीजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दमाम जो है वो तिहामा रीजन में वाकई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द ऑड वन इन द फॉलोइंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए जो है वो ऑड वन है इसमें से, अदरवाइज जितने भी हैं वो सब एक दूसरे का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया का पुराना नाम ईरान, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है, पर्शिया का पुराना नाम ईरान है, ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, और इसके साथ साथ श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सिलोन है। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट हाईली इंटेलिजेंस मम्बल्स आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, व्हेल सबसे ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट है, सेकेंड नंबर पर डॉल्फिन्स है, थर्ड नंबर पर एलिफेंट्स है, एंड फोर्थ नंबर पर कंगारूस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के जरिए से। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर
ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जून 5 को हर साल इंटरनेशनल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द सिकंदर सानी और सेकेंड अलेक्जेंडर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 25, विच गेम इज डेविस कप एसोसिएटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए टेनिस के साथ इसका एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हैव अचीव्ड 300 रन्स इन इन इनिंग इन टेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए वीरेंद्र सहवाग, और इन्होंने मुल्तान पे 319 रन मारा था और इसी वजह से उनको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी फुटबॉल के साथ इसका एसोसिएशन है। आगा खान, तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 का बात करते हैं, आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए हॉकी के साथ है, फुटबॉल के साथ इसका एसोसिएशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश पादुकोण इज अ फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बैडमिंटन, और ये दीपिका पादुकोण के फादर है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी जो है हिब्रू जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, द नेम ऑफ जहांगीर ऑटोबायोग्राफी इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तुझके जहांगीरी, ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 31, अजमान इज़ अ पार्ट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी यूएई का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद बिन कासिम कनकर सिंध इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया था सिंध में। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मोहम्मद बिन सलमान। क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद अली जौहर वॉज बरीड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए जेरूसलम में। क्वेश्चन नंबर 35, द कैपिटल ऑफ सूडान इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी खुरथूम। क्वेश्चन नंबर 36, द जौनपुर सल्तनत वॉज रूल्ड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए शर्की डायनेस्टी, शर्की डायनेस्टी ने जौनपुर सल्तनत को रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 37, द करेंसी ऑफ लीबिया इज, तो अगर हम लीबिया के करेंसी के बारे में बात करते हैं तो यह है दिनार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ, तो कोहिमा जो है वो नागालैंड का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ खानका, तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं वह है ऑप्शन डी द पैलेस वेयर सूफी मास्टिक्स लिव्ड, के जहाँ पे सूफी संत रहते हैं उस जगह को हम खानकाह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग मोनूमेंट्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कुवतुल इस्लाम मश्क को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और कुवतुल इस्लाम मश्क जो है वो कुतुब मीनार कुतुब कम्प्लेक्स में है। तो ये है पार्ट ए का 40 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इसी तरीके से आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।